अभी आज का टॉपिक क्या है? कम्युनिकेट द पेशेंट विद ऑप्टिमल यूज ऑफ ड्रग थेरेपी डिवाइसेस स्टोरेज ऑफ मेडिसिन, है ना। इसमें अपन को क्या देखना है, क्या देखोगे ये अच्छे से देख लेना टॉपिक, इसके पॉइंट्स अच्छे से देख लेना, बिकॉज यू हैव टू डू द रोल प्ले एट द एंड ऑफ द मंथ। क्या करना है हमको, हाउ अ डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन गोज, ठीक है। पहली क्लास है, इससे ये टॉपिक पहले नहीं हुआ है, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम तुम ये टॉपिक देख रहे हो, राइट, है ना। तो इसमें हमें क्या है कि तुम अपने पेशेंट को कैसे बताना है, तुम्हें आज की क्लास में तुम कैसे देख रहे हो ड्रग थेरेपी, उसे बतानी है डिवाइसेस के बारे में, कैसे उनको यूज करना है उन डिवाइसेस को, और क्या स्टोरेज कैसे करना है मेडिसिन को, ये तुम्हें पेशेंट को बताना है। तो डॉक्टर कैसे भी, कोई कैसे भी बिहेव करे, अपन को अच्छा लग जाता है क्या, या फिर हम देखते हैं कि हाँ नहीं ये डॉक्टर अच्छे से समझा रहा है, अपन इसके पास जाएंगे, ही इज बेटर, है ना। सो नाउ वी विल सी टुडे हाउ टू कम्युनिकेट विद द पेशेंट, व्हाट आर द बेसिक पॉइंट्स जो तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू स्टेट द कॉम्पोनेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, रियलाइज एंड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद द पेशेंट, व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेटिंग इन अ नाइस वे और कम्युनिकेटिंग इन अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने का, ठीक है, एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद द पेशेंट रिगार्डिंग प्रॉपर यूज ऑफ ड्रग एंड स्टोरेज ऑफ मेडिसिन, ठीक है। वी हैव टू कम्युनिकेट विद द पेशेंट, हाउ यू हैव टू कम्युनिकेट विद द पेशेंट रिगार्डिंग प्रॉपर यूज ऑफ मेडिसिन एंड स्टोरेज ऑफ मेडिसिन, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस फॉर इफेक्टिव शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन और मैसेजेस विद अल्टीमेटली लीड्स टू कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। बेसिकली कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि जो तुम पेशेंट को बता रहे हो, जो तुम पेशेंट को दे रहे हो, आगे जाके यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स। इफ यू आर गोइंग इन अ क्लिनिकल साइड, अगर सब जा रहे हो या फिर पेशेंट से डीलिंग वाली ब्रांच ले रहे हो, तो एक डॉक्टर को पता होना चाहिए कि वो कैसे कम्युनिकेट कर रहा है अपने पेशेंट को, वो जो तुमने दिया है पेशेंट को, जो तुम मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हो, अगर तुम नहीं ढंग से कम्युनिकेट करोगे तो वो लेगा भी नहीं ढंग से, उससे इफेक्ट भी नहीं आएगा, है ना। तो कम्युनिकेटिंग योर ड्रग्स, योर डिलीवरी सिस्टम डिवाइसेस, योर स्टोरेज ऑफ मेडिसिन, ये ढंग से कम्युनिकेट करने है पेशेंट को इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। उसमें क्या क्या उसके बेसिक पॉइंट्स हैं, ये कम्युनिकेशन की डेफिनेशन यू शुड नो, एवरीवन शुड नो। देर आर 7 C's फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वॉट आर दीज, कंप्लीट, क्लियर, कर्टिसी, कंसिडरेशन, कंसाइज, कंक्रीट एंड करेक्ट। इट हैज टू बी करेक्ट, इट हैज टू बी कंप्लीट, द इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट, जो तुम पेशेंट को बता रहे हो, जो तुम पेशेंट को दे रहे हो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो दवाई लेनी है, ये लेनी है, ये ले लेना, ठीक है, वो गलत है, यू हैव टू लेट देम नो कि कब लेनी है, कितनी लेनी है, कितने दिन लेनी है, ये तो बताओगे, या फिर कोई डॉक्टर तुम्हें ऐसे ही लिख के दे दे बस, वो ज्यादा कंफर्टेबल है, या जो डॉक्टर तुम्हें ठीक से समझाए कि भाई ये लेनी है, ऐसे लेनी है, इसका ये इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, ऐसे लेना इसको गलत है, इसको इस तरीके से लेना, एंड इफ दे आर गिविंग सम डिवाइसेस, जैसे इंसुलिन, मानो तुम्हें इंसुलिन लगाना है, ठीक है, तो डॉक्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए कि इस तरीके से लगाओगे, दीज आर द पॉइंट्स, ये सारी चीजें हैं दैट यू हैव टू बी कंप्लीट, यू हैव टू बी क्लियर विद योर इन्फॉर्मेशन दैट यू आर गिविंग टू योर पेशेंट, है ना। कर्टिसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बस फोन देख रहे हैं, फोन देखते देखते प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया, देखते हैं ना अपन, कई जने होते हैं ऐसे, देखा होगा तुमने कई बार। इट हैज टू बी कंसाइज, इट हैज टू बी करेक्ट, इट हैज टू बी कंक्रीट, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या हैं, वर्बल, पैरा वर्बल एंड नॉन वर्बल, राइट, दीज आर 3 types ऑफ कम्युनिकेशन। वर्बल में, वर्बल इज ओनली 7%, ठीक है, ये ध्यान रखना, वर्बल इज ओनली 7%, इट मे बी ओरल और रिटन, सो दिस इज द वर्बल थिंग, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द 7% ऑफ द कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना पैरा वर्बल, पैरा वर्बल में क्या आया, इट इंक्लूड्स टोन, पिच, पेसिंग, वॉल्यूम एंड एसेंट ऑफ द वॉइस, इट्स दी 38%, एसेंट ऑफ द वॉइस, पिच, तुम कैसे अपने पेशेंट से बात कर रहे हो, क्या पेसिंग है तुम्हारा, क्या टोन है तुम्हारा, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स अ लॉट।
एक तो तुम ऐसे ही बता रहे हो उसको कि वो एकदम डर जाए सुन के ना, कि भाई ऐसे बोल रहा है डॉक्टर, पता नहीं नहीं लूंगा मैं तो, नहीं लूंगा दवाई, पता नहीं क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है। तो योर टोन, योर पिच, योर वॉल्यूम, कैसे तुम बोल रहे हो, कैसे तुम अपनी बात को दे रहे हो उसको, दैट्स द पैरा वर्बल। ठीक है, तो हमने तीन देखे, वर्बल, पैरा वर्बल एंड नॉन वर्बल। नॉन वर्बल इज दैट्स द 55%, जो 55% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। इसके अंदर क्या है, इट इंक्लूड्स द एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, अपियरेंस, ठीक है, आई कॉन्टैक्ट, बॉडी पोजिशनिंग एंड स्पेशल अफेक्ट पेशेंट कंटेनमेंट एंड थेरापूटिक रिजल्ट। ये थेरापूटिक रिजल्ट को कैसे अफेक्ट करेगा, कौन बता रहा है? ये चीज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम 55% क्यों कह रहे हैं? कोई एक जना खड़े होकर बताओ मुझे, लिखा हुआ है इसमें सारा, ये कैसे इफेक्ट करेगा थेरापूटिक रिजल्ट को? आप सब चुप, मेरे पूछते ही सब चुप, उससे पहले सबको सब आता था। कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ तुम खड़े हो जाओ, दिस थर्ड बॉय, थर्ड बॉय मास्क लगा के जो बैठे हुए हो, हाँ खड़े हो। कैसे इफेक्ट करेगा ये, कैसे इफेक्ट करेगा ये थेरेप्यूटिक यूज, क्या बात कर रहे हैं अपन, क्या बात कर रहे हैं अपन, किससे कम्युनिकेट कर रहे हो? पेशेंट से। कितने तरीके के हो गए? तीन तरीके। नाम बताओ। वर्बल, नॉन वर्बल, पैरा वर्बल। पैरा वर्बल। नॉन वर्बल को हमने 55% क्यों कहा है? क्यों? बैठ जाओ। तुमने ऐसे ही पेशेंट की तरफ प्रिस्क्रिप्शन चिप कर दिया, ये ले लेना, जाके ये ले लेना, बस पड़ा, ठीक है, बात ही नहीं किया उससे, ठीक है। और या फिर तुम क्या कर रहे हो, उसको कंसोल कर रहे हो, ठीक है, उसके कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, यू आर हेल्पिंग हिम आउट, वो कुछ अपनी बात बोल रहा है, यू आर लिसनिंग टू इट, ठीक है। तुम उसको जेस्चर, ठीक है, तुम्हारा आई कॉन्टेक्ट कर रहे हो, उसको थोड़ा सा टच करके फिर कि नहीं ठीक है, ओके फाइन, एवरीथिंग विल बी फाइन, ये ले लो, इससे ठीक हो जाएगा, ये दैट इज मोर गुड। सो ये जो चीज है, इट कॉन्ट्रीब्यूट 55%, योर बॉडी पोस्चर, योर लैंग्वेज, योर जेस्चर, ठीक है। कोई जोक चल रहा है? देर आर थ्री टेक्निक्स दैट आर मस्ट टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव, कन्वर्जेशनल स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स, ठीक है। कन्वर्जेशनल स्किल्स, कैसे तुम कन्वर्जेशन कर रहे हो, लिसनिंग, जो पेशेंट बोल रहा है उसको सुनना है, राइट ऐसा नहीं है कि वो बोल रहा है, वो कुछ बता रहा है, मुझे ये दिक्कत है, ये है, और तुम उसको इंटरप्ट करके कि चलो ठीक है ये ले लिया, ये जाओ ये ले लो। यू हैव टू लिसन टू द पेशेंट, उसकी सारी प्रॉब्लम को अच्छे से सुनना है। एंड टेक्निकल स्किल्स, ऑब्वियसली यू शुड हैव द टेक्निकल स्किल्स, सारी कम्युनिकेशन टू द पेशेंट शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट ऑप्टिमल यूज ऑफ मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड, कैसे उसको यूज करना है, ठीक है, मेथड्स ऑफ यूज ऑफ सर्टन मेडिकेशंस, क्योंकि कुछ मेडिसिन है जो हमें पता है, जो हमको बताना है कि भाई ये खाने से पहले ले लेना, ये खाने के बाद ले लेना, अगर हमको इन्हेलेशन के लिए दे रहे हैं या कुछ और ऐसा दे रहे हैं जिसका हमें उस पेशेंट को बताना चाहिए, राइट, तो वी शुड टेल देम द मेथड ऑफ यूज, ठीक है। एंड ऑप्टिमल स्टोरेज कंडीशंस, कुछ एक चीजें हैं जो फ्रिज में रखनी चाहिए, है ना, किसी को आपको कैसे रखना है, तो यू हैव द पेशेंट शुड नो ना, अगर उसके पास मेडिसिन है तो उसको पता होना चाहिए। तो द पेशेंट शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट दीज थ्री पॉइंट्स, राइट, ऑप्टिमल यूज, मेथड्स ऑफ यूज एंड द ऑप्टिमल स्टोरेज कंडीशंस। द राइट मेथड ऑफ यूज ऑफ सर्टन मेडिकेशंस, मीटर डोज इनहेलर, ठीक है, उसका बताना ही पड़ेगा पेशेंट को कैसे लेना है, है ना, उसको वो अच्छे से बताओ, स्पेसर है, नेबुलाइजर है, इंसुलिन सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई ड्रॉप्स डालनी है या फिर कोई ऑइंटमेंट क्रीम लगाना है, कहाँ लगाना है, किधर है, एलर्जी है, कई जगह पैचेस हो रहे हैं बट हमें लग रहा है कि नहीं इस पैच पे लगाना चाहिए, देन यू हैव टू टेल द पेशेंट कि जो मैं प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ या कर रही हूँ यू हैव टू अप्लाई इट हियर, ठीक है। एंड यूज ऑफ ट्रांसडर्मल पैच, ट्रांसडर्मल पैच क्या होता है, कितने दिन तक रहता है, कितने डेज के लिए रहता है ऑलमोस्ट, थ्री डेज, थ्री टू फोर डेज,
देन स्टोरेज ऑफ मेडिसिंस के बारे में बताओगे पेशेंट को दैट यू हैव टू मेंटेन प्रॉपर स्टोरेज ऑफ मेडिसिंस एज इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ मेडिसिंस में लीड टू लॉस ऑफ एफिकेसी पोटेंसी अल्टर्ड सेफ्टी है ना. These changes are not visible by the naked eyes and the storage requirement for every medicine should be informed to the patient. किसी को cold storage में रखना है किसी को freezer में रखना है then you have to tell the patient about everything. देखो ये slide बहुत important है ये समझ लो ये तुम समझोगे ना then this will help you जो तुम role play करने वाले हो. Label on medicine. Medicine के ऊपर क्या लिखा हुआ है that you have to protect from light. वहां पीछे क्या इंपॉर्टेंट चल रहा है खड़े हो जाओ ब्लू टी शर्ट हाँ तुम्हारा ही है ब्लू. लेबल ऑन मेडिसिन पे क्या लिखा हुआ है रीड इट जोर से बोलो. नेक्स्ट नेक्स्ट माइनस टू डिग्री. इससे तुमको क्या समझ में आ रहा है ग्रीन टी शर्ट इसके पास क्या समझ में आ रहा है इससे जोक चल रहा है यहाँ कोई इससे क्या वहां पे कोई इंपॉर्टेंट बात चल रही है कौन समझाएगा मुझे खड़े होके. हाँ तुम खड़े रहो क्या समझ में आ रहा है इससे तुम तो मेडिकल कर रहे हो तुम तो समझ सकते हो इससे जो लिख लगा है यहाँ लेबल पे That you have to protect from light मतलब patient को क्या बोलोगे इसका मतलब क्या है यही बता दो. फ्रीजर में रखने वाला पॉइंट थर्ड है बच्चे लाइट से प्रोटेक्ट करना है मतलब तुम किसी कवर्ड जगह रखोगे अपनी दवाई को ये तुम्हें समझ आ रहा है. What's the meaning that you are getting from this is should be stored in light resistant drawer या cupboard. ठीक है बैठ जाओ. तो तुमको पेशेंट को किस लैंग्वेज में समझाओगे दैट यू हैव टू कीप इन ड्रॉअर या कवर्ड. पेशेंट को तुम ये तो नहीं बताओगे पूरा मेडिकल तो नहीं समझाने लगोगे कि भाई ये वाली दवाई ये यहाँ है ये ऐसे अपने को लाइट में नहीं रखनी ये तो इस पे जो लेबल लिखा हुआ है ये है. पेशेंट को तुम लेमैन लैंग्वेज में ये बताओगे कि डू यू हैव टू कीप इट इन ड्रॉअर या कवर्ड. ठीक है इन अ क्लोज लिड बॉक्स. ठीक है एंड नॉट इन बाथरूम किचन विंडो और नियर विंडो एरिया. ठीक है पेशेंट को तुम इस लैंग्वेज में समझाओगे. अब उसके अंदर लिखा हुआ है कि हमको माइनस टू डिग्री सेल्सियस पे रखना है. ठीक है इसका मतलब क्या है कि हमें फ्रीजर में रखना है तो पेशेंट को तुम क्या कहोगे कि इसको डीप फ्रीजर में रखना है. एक लेबल है दैट यू हैव टू प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर यूजुअली आर प्रोवाइडेड इन मॉइस्चर रेजिस्टेंट कंटेनर्स बाय द मैन्युफैक्चरर. उसका मतलब क्या हुआ दैट यू हैव टू स्टोर इन रूम टेम्परेचर विद नॉर्मल ह्यूमिडिटी. तो तुम पेशेंट को यही कहोगे कि आपको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखना है कोई बॉक्स में रखना है या कहीं ढक के रखना है दवाई को ऐसे खुले में नहीं रखना है लाइट में नहीं रखना है. ये आपको पेशेंट को समझाना पड़ेगा. अगर लेबल लिखा हुआ है दैट यू हैव टू डू नॉट स्टोर ओवर 8 डिग्री सेल्सियस एंड डू नॉट फ्रीज मतलब क्या है इसका दैट यू हैव इट शुड बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर फ्रॉम प्लस 2 टू प्लस 8 डिग्री एंड नॉट इन फ्रीजर. तो तुम पेशेंट को क्या कहोगे कि भाई इसको फ्रीजर के अंदर मत रख देना इसको नॉर्मल फ्रिज के अंदर रखना. ठीक है कोई कहीं पे लिखा हुआ है दैट यू डोंट नॉट हैव टू स्टोर इट एट 30 डिग्री सेल्सियस तो तुम क्या बोलोगे उसको क्या बोलोगे कीप इट एनी वेयर अपार्ट फ्रॉम बाथरूम विंडो और किचन राइट. इफेक्टिव डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन में एट दी एंड क्या समझ में आता है तुमको दैट इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डायग्नोसिस एनहांस पेशेंट कंप्लायंस. पेशेंट कंप्लायंस भी अच्छा होगा ना अगर तुम उसको अच्छे से समझा रहे हो कि पेशेंट को क्या लेना है कैसे लेना है क्यों लेना है. यू आर टेलिंग द पेशेंट एवरीथिंग कि तुम्हें ये दिक्कत है अगर आप ये इतने दिन लोगे 10 मिनट पढ़ाना भी मुश्किल है ना तुम लोगों को तुम्हें सुनना ही नहीं है और फिर एग्जाम में तुम एग्जाम तो तुम्हारे ज्यादा ही अच्छे होते हैं सबके. कंट्रीब्यूट्स टू डॉक्टर क्लिनिकल कॉम्पिटेंस इन सेल्फ एश्योरेंस कंट्रीब्यूट टू पेशेंट सेटिस्फैक्शन. ठीक है अगर डॉक्टर अच्छे से समझा रहा है अच्छे से सब चीज बता रहा है देन इट्स
पेशेंट सेटिस्फाई होके जाता है और पेशेंट वो दवाई लेगा अगर उसको अच्छे से समझ आया नहीं भाई डॉक्टर ने मुझे अच्छे से देखा है, अच्छे से उसने बताया है और मैं लूंगा ये दवाई, ठीक है। मे कॉन्ट्रीब्यूट टू कॉस्ट एंड रिसोर्स इफेक्टिवनेस, ठीक है। साइनिकल नहीं होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, गिल्ट कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए पेशेंट में, कभी कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो कि पेशेंट में गिल्ट कॉम्प्लेक्स ले आए या फिर अकम्पनीड बाय लूजिंग टेम्पर। तुम्हारे पास खूब सारे पेशेंट है, तुम्हारी ओपीडी भरी हुई पड़ी है, तुम्हें फटाफट निपटाने हैं पेशेंट और तुम खट 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 और पेशेंट ने किसी ने इरिटेट कर दिया तुम उस पर चीख दिए, है ना, दैट शुड नॉट बी डन राइट। अकम्पनीड बाय लूजिंग और विद नेग्लिजेंस टू पेशेंट इमोशंस, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक मैंने रोल प्ले का एग्जाम्पल डाला है, जस्ट सी इट। कम्युनिकेशन एटिकेट्स क्या है, यू हैव टू स्पीक स्लोली सॉफ्टली, स्पीक इन सिंपल लैंग्वेज जो पेशेंट को समझ आए, ठीक है। हमें ज्यादा मेडिकल लैंग्वेज नहीं यूज करनी है और एट द एंड 3-4 मेन पॉइंट्स बताओ पेशेंट को कि भाई ये जो है एट द एंड तुम्हें मेन ये चीजों का ध्यान रखना है राइट। एंड बिफोर द पेशेंट लीव्स एनकरेज हिम और हर टू स्पीक बैक वॉट ऑल शी हैज अंडरस्टूड रिगार्डिंग द मेडिकेशन एंड एसोसिएशन विद फूड डोजिंग शेड्यूल। ये सब हमें बताना है ना कि ये दवाई लेनी है तो इसको खाने से पहले ले लो, इसको खाने के बाद ले लो, ये चीजें अवॉइड करना खाना, है ना। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे लेना है, मेडिकेशन टेक्निक, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग साइड इफेक्ट एंड विड्रॉल इफेक्ट्स, ठीक है। कोई ड्रग्स है जिसके विड्रॉल इफेक्ट्स हैं तो वो तुम बताओगे पेशेंट को राइट। पेशेंट शुड हैव इंफॉर्मेशन ऑफ एवरीथिंग दैट ही इज टेकिंग राइट। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टोरेज ऑफ ड्रग, जस्ट सी वन एग्जाम्पल, उसमें उसने पहले मेजर मिस्टेक्स बताई है एंड देन व्हाट्स द करेक्ट टेक्निक, ये अच्छे से देख लेना, हेल्प करेगा तुमको जब खुद को रोल प्ले करना होगा तब। मूवी नहीं चल रही है, तुम्हें हेल्प करेगा ये, क्या देख रहे हो इसमें, क्या समझ आ रहा है, जस्ट सी इट, फिर मैं पूछूंगी सबसे पहले क्या था उसके अंदर। और करेक्ट टेक्निक किया है, complicated concepts so the patient can't understand.
So you have an allergic reaction and you need to take the pill and it's a violent department problem. Does not provide sufficient explanation for description, leaving the patient confused. If there is not in your analysis, we just have single reactions and bones. So you just need to take a screen which is amazing and just it will use your समझ में आया क्या हो रहा था इसके अंदर, क्या हो रहा था? सबसे पहले क्या किया उसने, फोन उठा लिया, मतलब पेशेंट पे ज्यादा पेशेंट पे ध्यान नहीं दे रही थी, राइट? थर्ड नहीं, सेकंड में क्या किया, सेकंड में क्या किया? तुम लोग रोल प्ले करोगे ना फिर मैं ऐसी हंसने वाली हूँ, ये याद रखना। यू हैव टू डू द सेम वे, है ना, कि पहले हमने बताया कि भाई ये ऐसे ऐसे कर रहा है, दैट्स रॉन्ग, क्या सही तरीका है और क्या वो मिस कर रहा है, ठीक है? और उस तरीके से तुम उसको ट्राई करके बताओगे, ठीक है?